गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रिया, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं हिंदी में आपको लिंग बदलो की रिवीजन करा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। लिंग बदलो, नाना, नाना का क्या होगा? नानी। नाना, ना, नी, नानी। नाना, नानी। दादा, दादी। दा, दी। सब में क्या आएगी? बड़ी ई की मात्रा। ये साइड आपको लिखी हुई आएगी और ये साइड आपको लिखनी होगी। सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे, किसी की मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पापा, मम्मी, देखो म, फिर आधा म आएगा, फिर पूरा म आएगा, फिर बड़ी ई की मात्रा। पापा, मम्मी। मामा, मामी। मा, मी। मोर, मोरनी। मो, र, देखो मोर का मोर लिख दिया, फिर नी, न, न पर बड़ी की मात्रा, मोरनी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बड़ी ई की मात्रा लग रही है, आ की मात्रा हटाकर क्या लग रही है? बड़ी ई की मात्रा। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पापा मम्मी हो जाएगा यहाँ पे, म, फिर आधा म, फिर पूरा म, फिर बड़ी की मात्रा, मम्मी। मामा, मामी। मोर, मोरनी। हाथी, हथिनी। अब हथनी में भी थोड़ा सा चेंज होगा, ह, थी, थ पर छोटी की मात्रा, हथिनी, हथिनी, और न पर बड़ी की मात्रा। हाथी, हथिनी। छात्र, छात्रा। देखो छात्र लिखा हुआ है, हमने सिर्फ आ की मात्रा लगाई है, छात्र, छात्रा। राजा, रानी, राजा, रानी। पोता, पोती, पोता, पोती। चाचा, चाची, चाचा, चाची। सब में क्या आ रही है? बड़ी ई की मात्रा। देखो राजा, रानी। अब रानी में ज की जगह सिर्फ न हो गया है और बड़ी की मात्रा। पोता, पोती, त पर बड़ी की मात्रा। चाचा, चाची, च पर बड़ी की मात्रा। ये है हमारे लिंग बदलो। मैंने 10 करवाए हैं, सभी बच्चे इसी की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, कल मैंने आपको समान अर्थ वाले शब्द कराए थे, इसको समान अर्थी शब्द भी कहते हैं। ये भी मैंने 10 कराए थे, एक बार दोबारा से देख लेंगे। जल, पानी। समानार्थी शब्द बेटा वो होते हैं जो एक जैसा साउंड करते हैं। देखो जल और पानी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जल, पानी। पुत्र, बेटा। साल, वर्ष। राजा, नरेश। आकाश, आसमान। पहाड़, पर्वत। घर, भवन। जानवर, पशु। सिंह, शेर। वर्षा, बारिश। 10 ही बेटा मैंने आपको समान अर्थ वाले शब्द कराए हैं, इसको समान आर्थिक शब्द भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना अगर पेपर में आपको समान आर्थिक शब्द लिखा जाए, और समान अर्थ वाले शब्द दोनों को एक ही बोलते हैं। और आपको मैंने लिंग बदलो करा दिए हैं, ये भी 10 करवा दिए बेटा। दोनों काम अपनी कॉपी में करने हैं आपको, और इन्हें लर्न कर लेना है। दोनों मैंने 10-10 कराए हैं, इन दोनों को आपको लर्न करना है बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू।